नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितेश गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से और उसके बाद आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन पर नजर डालते हैं। पुवाया के जेवा गांव में चोरों ने किसान के खेत पर बोला धावा। खेत पर रखे इंजन का सामान खोल ले गए चोर। पीड़ित किसान ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। अनावा गांव के किसान ने लेखपाल पर लगाया सुविधा शुल्क मांगने का आरोप। किसान का आरोप, विरासत दर्ज कराने के नाम पर लेखपाल मांग रहा था सुविधा शुल्क, शुल्क ना देने पर गलत आख्या लगाने की दी धमकी। तेलहर में पेयजल की समस्या को लेकर लोगों ने अधिकारियों से की शिकायत। कहा, नगर पालिका के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते दूषित पानी पीने को मजबूर हैं हम। और समाजवादी पार्टी ने शाहजहांपुर में चलाया सदस्यता अभियान। पहले ही दिन जिलाध्यक्ष ने दर्जनों लोगों को दिलाई पार्टी की सदस्यता। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर चलाया जा रहा अभियान। तंत्र विद्या के चलते शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिसमें तंत्र विद्या करने वाले लोगों ने जलती हुई चिता से मृतक शव का सिर काट लिया और काटे हुए सिर को घर में ही छिपा दिया। दरअसल थाना तिलर क्षेत्र के पिपरोली गांव में कल कुबेर गंगवार नाम के बुजुर्ग की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। कल शाम कुबेर गंगवार का अंतिम संस्कार गाँव के बाहर बने शमशान में किया गया था। अंतिम संस्कार के कुछ देर बाद गांव के लोगों ने परिवार को जली हुई चिता से सिर गायब होने की सूचना दी। चिता से सिर गायब होने की सूचना से इलाके में आग के तरह फैल गई। मृतक का सिर गायब होने की परिवार वालों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। शमशान के पास गांव के ही गोपी और मनोज नाम के दो युवक देख गए थे। उसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने गोपी और मनोज को गाँव के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि तंत्र मंत्र विद्या के चलते ही इलाके के एक तांत्रिक ने जलती चिता से सिर काट कर लाने को कहा था। वहीं गोपी और मनोज ने जलती हुई चिता से सिर काट कर अपने घर में छिपा दिया था। पुलिस ने मृतक के सिर को आरोपी के घर से बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर तांत्रिक की तलाश में जुटी हुई है। तिलहर नगर में पेयजल को लेकर आ रही समस्या को लेकर आज नगर क्षेत्र के रहने वाले दर्जनों लोगों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा लोगों को पेयजल मुहैया कराया जा रहा है, वह बेहद ही गंदा और दूषित है, जिससे बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। लोगों का ये भी कहना है कि वाटर सप्लाई भी उनको समय से नहीं मिल पा रही है। हर घर तिरंगा अभियान में निजी स्कूल भी भागीदारी दे रहे हैं। शाहजहांपुर में इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने अभियान को सफल बनाने के लिए जिला अधिकारी को चेक सौंपा है। स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए निजी स्कूल संचालक भी उनके साथ खड़े हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 24 घंटे में 36 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध शस्त्र और कच्ची शराब बरामद हुई है। इस दौरान पुलिस ने शांति भंग करने वाले और न्यायालय में हाजिर न होने वाले 18 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। तिलहर नगर से निकलने वाले कांवड़ियों का नगर पालिका प्रशासन द्वारा स्वागत किया जा रहा है। नगरपालिका के मुख्य गेट से निकल रहे कांवड़ियों पर अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार कुशवाहा ने पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि यहां से गुजरने वाले कांवड़िये हरिद्वार से गोला गोकर्णनाथ भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं। शाहजहांपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उनको याद किया। कार्यक्रम का आयोजन सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में किया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री वैभव सक्सेना ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज जिला पेयजल और स्वच्छता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों के महोत्सव और समयबद्ध रूप से पूरे किए जाने को लेकर जिलाधिकारी ने अधीनस्थों को भी निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ किया जाने के मकसद से ही मिशन जल जीवन चलाया जा रहा है। पोवाया थाना क्षेत्र के अनावा गांव के किसान ने लेखपाल पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया है। अनावा के रहने वाले नन्नी खान ने एसडीएम को शिकायत देते हुए बताया कि उनके पिता की मौत के बाद विरासत दर्ज कराने के लिए आवेदन किया था, तो वहीं लेखपाल ने सुविधा शुल्क की मांग की। आरोप ये भी है कि सुविधा शुल्क ना देने पर गलत आख्या लगाने का लेखपाल पर आरोप लगा है। फिलहाल लेखपाल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। जलालाबाद में स्टेट हाईवे पर महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना जलालाबाद के नया गांव के पास की है। यहां सड़क किनारे खड़ी महिला को कार चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। महानगर के मुमुच्छू आश्रम से संबद्ध एवं पर्यावरण हितों के प्रति समर्पित पृथ्वी संस्था के द्वारा विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर मुमुच्छू आश्रम परिसर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर अवनीश मिश्र ने कहा कि श्रावण माह में पौधारोपण का विशेष महत्व है। शास्त्रों में भगवान शिव को प्रकृति का संरक्षक बताया गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन पर तनवीर खान ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। आज पहले ही दिन 100 प्रारंभिक सदस्य बनाए गए। निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन तनवीर खान ने सदस्यता अभियान शुरू किया और मौके पर ही समाजवादी पार्टी के 100 प्रारंभिक सदस्य बनाए। इस दौरान निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान से पार्टी को एक बड़ी मजबूती मिलेगी। पोवाया थाना क्षेत्र के जेबा गांव में चोरों ने खेत पर रखे हुए इंजन का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित किसान ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आज जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज की प्रगति को लेकर समीक्षा की। इस दौरान प्रिकॉशन डोज की संख्या शून्य पाई गई, जिसके चलते जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी गौतम और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी पीपी श्रीवास्तव के एक दिन के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण और तलब किया है। शाहजहांपुर महानगर का 16 वर्षीय किशोर पिछले करीब एक सप्ताह से घर से लापता है। किशोर का नाम कृष्णा गुप्ता है, जो कि मोहल्ला ताजूखेल का रहने वाला है। कृष्णा की लंबाई करीब 5 फीट 8 इंच, इकहरा बदन, काले घने बाल और लापता होने के वक्त पैंट और शर्ट पहने हुए था। कृष्णा के पिता ने पुलिस को गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस ने भी कृष्णा के बारे में कोई भी जानकारी होने पर तत्काल सूचना देने की बात कही है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार की कैशलेस योजना को छलावा मात्र बताया है। प्राथमिक शिक्षक संघ की आज एक बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय महामंत्री और जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि सरकार शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लॉलीपॉप देकर महंगा चिकित्सा बीमा दिए जाने की सरकार योजना बना रही है। इससे सस्ते चिकित्सा बीमा अनेक कंपनियों द्वारा किए जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा कि भाई इस योजना को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा।